हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो डे है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चे के लिए, शौर्या के लिए, क्योंकि आज उसके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। साइंस एग्जीबिशन नहीं, मतलब हर सब्जेक्ट का एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा जो है वो अपना जो भी उसका प्रोजेक्ट था, सॉरी, जो भी उसका प्रोजेक्ट वर्क था, बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहा था। वो और उसका पार्टनर, वो चश्मा जो पहना है वो उसका पार्टनर, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और फाइनली उसका बन गया। तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट के बच्चे अपने अपना हुनर दिखा रहे थे। यहाँ पे म्यूज़िक बैंड लगा हुआ था। यहाँ पे देख सकते अयोध्या का जो राम मंदिर है वो यहाँ पे दिखाया गया था। मतलब बच्ची इतना मतलब टैलेंटेड है और इतना अपने प्रोजेक्ट वर्क को लेकर वो मतलब एक्साइटेड थे और इतना मेहनत किए थे कि मुझे देख देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो मेरा बेटा छोटा है, लेकिन जो बड़े बच्चों का जो प्रोजेक्ट वर्क था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब एक एक वर्क इतना मेहनत से बच्चे लोग किए थे। और यहाँ पे देख सकते कर्मा पर्व को दिखाया गया है, मतलब हमारी संस्कृति को भी यहाँ पे दिखाया गया, बच्चों ने दिखाया। यहाँ पे सरहुल पर्व को दिखाया गया है और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे चीज़ें, मतलब जो चंद्रयान 3 है और ये जो क्या है ये मुझे उतना नहीं पता, बच्चे समझा रहे थे। अगर उनसे इंटरेक्ट किया जाए तो वो समझा भी रहे थे क्या है नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी राम मंदिर, शायद अयोध्या का जो राम मंदिर शायद मे भी वही था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग और ये सब, जो भी पेंटिंग आप देख रहे हैं ना गाइज, ये सब खुद से बनाया हुआ है। और ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़का है ना बगल में, ये मतलब इसका पेंटिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग था, बहुत ज़्यादा एकदम खूबसूरत। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब खरीदा हुआ, मतलब कहीं से प्रिंट आउट किया हुआ, लेकिन नहीं, ये सब खुद से बनाया हुआ पेंटिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग भी खुद का बनाया हुआ, और ज़्यादातर पेंटिंग उसी बच्चे का था। मैं इसलिए उसको इस व्लॉग में ऐड की ताकि मैं दिखा सकूँ, इतना ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ना कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा। ये इन सभी को देख के ना थोड़ा सा अपने अंदर भी ये होता है ना कि मेरे भी बच्चे ये सब देखकर सीखे। और अच्छा, ये देखिए जो हम लोग पेंसिल छीलकर फेंक देते हैं ना, उससे भी बच्चे ने आर्ट बनाया। और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये सब इतना खूबसूरत, एकदम लग रहा था जैसे आप प्रिंट आउट करके निकलवाएं कंप्यूटर से, इतना रियलिस्टिक। ये नारियल के छिलके से बना हुआ है। तो मैं वही दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़, सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा भीड़, और हर लोग अपनी अपनी काबिलियत दिखा रहे थे। तो यहाँ पे रात का समय था, शाम का समय था, हम लोगों को शाम को जाना था। तो ये देख सकते पूरा का पूरा स्कूल को डेकोरेट किया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत एकदम सुंदर से डेकोरेशन स्कूल की भी की गई है ताकि मतलब पेरेंट्स को अच्छा लगे और जो भी गेस्ट पेरेंट्स के साथ जो भी गेस्ट आ सकते हैं। यहाँ पे अनुष्का जो है वो, हे गाइस, तो फाइनली हम सब आ गए एग्जीबिशन से। तो अभी ड्रेस चेंज कर लिए हैं और अभी चूड़ी चेंज नहीं किए जा रही, उसको भी चेंज कर लेंगे। और अब जा रहे हैं खाना पीना बनाने। खाना पीना बनाने। तो आज की ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।